हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एंड नॉन टेक एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 10 इंटरेस्टिंग नॉलेज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी चमगादड़ को सोते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप इसे एक बार देखने का जरूर प्रयास करिए, क्योंकि चमगादड़ के सोने का तरीका अन्य पक्षियों के सोने के तरीके से काफी अलग होता है। चमगादड़ एक रात्रिचर पक्षी होते हैं जो कि रात में भ्रमण करते हैं और दिन में सोते हैं या फिर आराम करते हैं, जिसके कारण यह ऐसे स्थानों का चयन करते हैं जहां किसी अन्य जीव के द्वारा इनका शिकार न किया जा सके, और इसके लिए इनके द्वारा अधिकतर किसी अंधेरी गुफा या फिर पेड़ के अंदर बने खोखले स्थान का चयन किया जाता है, या फिर कोई ऐसा स्थान जो इनके हिसाब से सुटेबल हो वैसे स्थानों का ये चयन करते हैं, और उस स्थान पर यह उल्टा लटककर पूरे दिन भर सोते रहते हैं या फिर आराम करते रहते हैं। अब आखिर इसके पीछे का कारण क्या है कि चमगादड़ उल्टा लटककर सोते रहते हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि जो चमगादड़ के पंख होते हैं वो अन्य पक्षियों की तरह ना तो इतने विकसित होते हैं और ना ही इनके पंखों में इतनी क्षमता होती है कि ये जमीन से डायरेक्ट आसमान में उड़ सके। इसके अतिरिक्त इनके जो पीछे का पैर है वो इतना छोटा और अविकसित होता है कि ये जमीन पे अन्य पक्षियों की तरह ना तो सही से चल पाते हैं और ना ही दौड़ लगा पाते हैं, जिसके कारण जमीन पर रहना और जमीन से आसमान में उड़ना इनके लिए काफी कठिन होता है और असुविधाजनक होता है, जिसके कारण ये इन गुफाओं में या फिर पेड़ों की खोलों में या फिर किसी अन्य स्थान पर उल्टे लटके रहते हैं। और जब भी इनको आसमान में उड़ना रहता है, ये अपने पंजों को हल्का सा ढीला करते हैं और थोड़ा सा नीचे आते हैं और तुरंत आसमान से ही आसमान में उड़ जाते हैं। अब आखिर ये इतनी देर तक लटके कैसे रहते हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि जो चमगादड़ के पीछे के छोटे पैर होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, और इन मांसपेशियों की सहायता से जब वो लटकते हैं तो उनके पैरों की उंगलियां और जो पंजे होते हैं वो जिस चीज की सहायता से लटकते हैं उसको काफी अच्छे से जकड़ लेते हैं। इसके बाद ये अपने पंखों की सहायता से अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक लेते हैं, जिसके कारण इनको लटके रहने के लिए अपनी कोई अतिरिक्त शारीरिक ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती है, और ये अपने हल्के भार और ग्रेविटेशन के कारण आसानी से लटके रहते हैं और इनको कोई दिक्कत भी नहीं होती है। क्या चमगादड़ की तरह इंसान भी उल्टा लटक कर रह सकता है? तो इंसान चमगादड़ की तरह उल्टा लटक कर नहीं रह सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि इंसान के शरीर का आकार काफी बड़ा होता है, इनका वजन भी ज्यादा होता है और इनके शरीर के अंदर जो ब्लड की मात्रा है वो भी बहुत ज्यादा होती है। मनुष्य के शरीर के अंदर ब्लड लगभग 7.5 लीटर पाया जाता है, जिसके कारण जब मनुष्य उल्टा लटकता है तो मनुष्य के शरीर के भीतर जो ब्लड का प्रवाह है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है, जिसके वजह से मनुष्य के मस्तिष्क में ब्लड रुकने लगता है और शरीर के अन्य अंगों की कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है और कुछ समय के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। चमगादड़ लंबे समय तक उल्टा लटक कर सोते रहते हैं तो फिर उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती है? इसका मुख्य कारण यह है कि जो चमगादड़ के शरीर की मांसपेशियां होती हैं वो उल्टा काम करती हैं। इसके अतिरिक्त चमगादड़ के शरीर का आकार बहुत ही छोटा होता है और उसका भार भी बहुत ही कम होता है, और चमगादड़ के शरीर में पाए जाने वाली ब्लड की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिसके वजह से जब वो लटकता है तो उसके शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है, उसके शरीर में ब्लड का प्रवाह होने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और उसके शरीर के सभी अंग जो है अच्छे तरीके से कार्य करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त जब वो उल्टा लटका रहता है तो उल्टा लटकने पर उसके शरीर की कोई अतिरिक्त ऊर्जा भी नहीं लगती है, जिसके वजह से ना तो चमगादड़ को किसी तरह का थकान का अनुभव होता है और ना ही चमगादड़ को किसी तरह की कोई परेशानी होती है। उल्टा लटकना चमगादड़ के लिए उतना ही आसान कार्य होता है जितना मनुष्य के लिए पृथ्वी पर पैदल चलना। यही कारण है कि चमगादड़ के द्वारा लंबे समय तक लटक कर सोते रहने पर भी उनकी मृत्यु नहीं होती है। दोस्तों, जब भी आपको कोई बीमारी होती होगी तो आप किसी हॉस्पिटल या मेडिकल पर जाते होंगे जहां आपको मुश्किल से 500, 1000, 10000 या फिर 50000 में आपको दवाई मिल जाती है। यहां तक कि अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो 10 लाख, 15 लाख या फिर 20 लाख में वो बीमारी जो है पूरी तरीके से आपकी सही हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि विश्व की सबसे महंगी दवा कौन सी है और यह कितने रुपए में आती है?
हाल ही में अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक नई दवा लॉन्च की गई है, जिसका नाम है हेमेजेनिक्स। और इस दवा के एक डोज की कीमत $35 लाख है, जो कि भारतीय रुपयों में इस दवा के एक डोज की कीमत लगभग 28.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस दवा का प्रयोग हीमोफीलिया बी के इलाज के लिए किया जाता है। हीमोफीलिया बी एक तरह की अनुवांशिक बीमारी है। यहाँ पर अनुवांशिक बीमारी से तात्पर्य यह है कि अगर आपको हीमोफीलिया बी की बीमारी है तो हो सकता है कि आपके जो बच्चे होंगे उनको भी हीमोफीलिया की बीमारी हो सकती है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है कि अगर यह बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाती है तो उस व्यक्ति के शरीर का जो खून है वो जम नहीं पाता है, जिसके वजह से अगर किसी कारणवश उस व्यक्ति को चोट लग जाती है या फिर किसी चीज से उसका शरीर कट जाता है तो उस स्थिति में उसके शरीर का खून जम नहीं पाता है और उसके शरीर से लगातार खून बहता रहता है। लेकिन इस दवा का केवल एक ही डोज लेने से व्यक्ति की यह बीमारी काफी हद तक सही हो जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म लेने वाले 5000 पुरुषों में से एक पुरुष को यह बीमारी होती है। इस आधार पर भारत में हर वर्ष जन्म लेने वाले कुल 1300 बच्चे हीमोफीलिया की बीमारी से पीड़ित होते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो बर्फ के पहाड़ होते हैं और जो बर्फ की सिल्ली होती है वो अपने आधार से गलना क्यों चालू करती है? इसका मुख्य कारण है दाब और गलनांक के बीच की थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार अगर किसी वस्तु पर दाब बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु का गलनांक कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु पे दाब बढ़ा दिया जाए तो वह वस्तु जो है तेजी के साथ गलने लगती है। यही कारण है कि जो हमारे बर्फ के पहाड़ होते हैं या फिर जो बर्फ की सिल्ली होती है उनका पूरे भार का जो वजन है वो उनके आधार पर लगता है, यानी कि भार के कारण जो दाब है वो इन जो बर्फ के पहाड़ और जो बर्फ की सिल्ली है उनके आधार पर पड़ता है, जिसके कारण इनके आधार पर दाब बहुत अधिक बढ़ जाता है। और जब इनके आधार पर दाब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो इनके आधार का जो गलनांक है वो कम हो जाता है, मतलब आधार पर जो बर्फ है वो तेजी के साथ गलने लगती है और धीरे धीरे पहाड़ नीचे आने लगता है और पूरी तरीके से गल जाता है। क्या आपको पता है कि मकड़ियाँ झाले की सहायता से अपना घर कैसे बनाती हैं? तो मकड़ियों के शरीर में एक ग्रंथि पाई जाती है और इस ग्रंथि से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है और यह चिपचिपा पदार्थ जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वैसे ही यह रेशम के समान धागे में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद मकड़ियों के द्वारा इस झाले का प्रयोग करके अपने घर को बनाया जाता है। और मकड़ियों के द्वारा जब अपना घर बनाया जाता है तो इसमें काफी लॉजिक लगाया जाता है। आप अक्सर देखते होंगे कि जो मकड़ियों का घर होता है तो उस घर में जो किनारे के साइड के जो झाले होते हैं उनकी गैपिंग ज्यादा होती है, और जैसे ही आप उस मकड़ियों के घर के सेंटर में आएंगे वैसे ही उन झालों के बीच का जो गैपिंग होता है वो कम होता जाता है, यानी कि सेंटर में मकड़ियों के द्वारा जो झाला बुना जाता है वो काफी मजबूत बुना जाता है, क्योंकि इसी हिस्से में मकड़ियां रहती हैं और कोई भी कीड़े मकोड़े अगर झाले में फंसते हैं तो उसको लाकर यहीं पे खाती हैं। तो यहाँ पर वेट ज्यादा होता है जिसके लिए मकड़ियों के द्वारा यहाँ पे मजबूती अधिक रखी जाती है। इसके अतिरिक्त आप देखते होंगे कि मकड़ियों का आकार कितना छोटा होता है, लेकिन इनके द्वारा जो मकड़ जाल बनाया जाता है वो काफी बड़ा बनाया जाता है। इसका रीजन यह होता है कि अगर जाल इनके द्वारा छोटा बनाया जाएगा तो जो कीट पतंगे होंगे वो इसमें आकर फंस नहीं पाएंगे, जिससे इनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। और यही कारण है कि जिसकी वजह से इनके द्वारा जो जाल बुना जाता है वो काफी बड़ा बुना जाता है, जिसके वजह से अधिक मात्रा में जो कीट पतंगे हैं वो इस जाल में फंस पाते हैं और इनके भोजन की व्यवस्था हो पाती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर को लेकर आते हैं तो उस सिलेंडर के ऊपरी सिरे पर एक गोल आकार का हैंडल लगा होता है और वह हैंडल 3 ऊर्ध्वाधर पट्टियों की सहायता से सिलेंडर से जुड़ा होता है और इन 3 पट्टियों में से किसी एक पट्टी पर एक कोड लिखा गया होता है। इस कोड का क्या अर्थ होता है? दरअसल दोस्तों, इस कोड में एक अंग्रेजी का लेटर होता है जो कि ए बी सी और डी में से कोई एक लेटर हो सकता है और 2 अंकों की एक संख्या लिखी होती है।
जिसमें जो अंग्रेजी के लेटर होते हैं वो महीने के नाम को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि जो आपका ए लेटर होता है वो जनवरी, फरवरी और मार्च को प्रदर्शित करता है, जबकि जो बी लेटर अगर लिखा गया है तो वो अप्रैल, मई और जून महीने को प्रदर्शित करता है, और अगर सी लिखा गया है तो जुलाई, अगस्त और सितंबर को प्रदर्शित करता है, और अगर डी लिखा गया है तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को प्रदर्शित करता है, जबकि दो अंकों की जो संख्या लिखी होती है वह किसी वर्ष के लास्ट दो डिजिट होते हैं। दरअसल दोस्तों यह कोड सेफ्टी के दृष्टि से लिखा गया होता है। इस कोड के द्वारा एक डेट बताया गया होता है जिस डेट पर उस सिलेंडर की टेस्टिंग करनी होती है कि वह सिलेंडर सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। अगर वह सिलेंडर सही से काम कर रहा है तो उसको मार्केट में भेज दिया जाता है, अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो फिर उस सिलेंडर को रिपेयरिंग के लिए या फिर उससे नया सिलेंडर बनाने के लिए भेज दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई सिलेंडर है उस सिलेंडर पे लिखा गया है A22, तो इसका अर्थ यह है कि A का मतलब कि जनवरी, फरवरी और मार्च में से किसी एक महीने में, और 22 का मतलब है कि 2022 में इस सिलेंडर को रिपेयरिंग के लिए जाना है, मतलब टेस्टिंग के लिए जाना है। जब भी आप दवा लेने जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो दवा होता है उसके ऊपर कंपनियों के द्वारा दो डेट लिखा गया होता है, जिसमें एक एक्सपायरी डेट होता है और एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है। तो जब भी आप दवा खाते हैं तो कंपनियां और डॉक्टर दोनों के द्वारा यह सलाह दिया जाता है कि दवा खाते समय आप दवा के एक्सपायरी डेट को देखकर ही दवा खाएं, क्योंकि कंपनियों के द्वारा एक्सपायरी डेट के बाद दवा के सुरक्षा को लेकर और दवा आप खा रहे हैं तो वह दवा आपको फायदा करेगी नहीं करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि एक्सपायरी डेट के बाद दवा का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है और दवाएं जो है एक्सपायरी डेट के बाद पूरी तरीके से खराब हो जाती है। अगर एक्सपायरी डेट के बाद आप दवा को खाते हैं तो यह दवा आपके शरीर पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। यहाँ तक कि कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जो कि एक्सपायरी डेट के बाद इतनी खराब हो जाती हैं कि अगर आप इन दवाओं को खाते हैं तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। यही कारण है कि जब कंपनियों के द्वारा दवाओं के ऊपर एक्सपायरी डेट को लिखा जाता है तो एक्यूरेट एक्सपायरी डेट को नहीं लिखा जाता है, बल्कि अगर दवा नवम्बर 2023 में एक्सपायर होने वाली है तो उसको अप्रैल 2023 करके लिखा जाता है। कंपनियों के द्वारा ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलती से एक्सपायरी डेट के बाद भी दवा खा ले तो उस पर इस दवा का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, लेकिन अगर आप दवा के एक्सपायर होने के 3-4 महीनों के बाद भी इस दवा को लेते हैं तो यह दवा आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकती है। क्या आपको पता है कि अगर काकरोच के सिर को काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया जाए तो भी काकरोच 8 से लेकर 9 दिन तक जिंदा रहता है। अब यह कैसे पॉसिबल? दरअसल इसका मुख्य कारण यह है कि काकरोच के द्वारा अपने नाक से सांस नहीं लिया जाता है। काकरोच के शरीर पर कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसकी सहायता से काकरोच के द्वारा सांस लिया जाता है। तो जब हम काकरोच के सर को उसके शरीर से काटकर अलग कर देते हैं तो काकरोच के द्वारा इन्हीं छिद्रों की सहायता से सांस लिया जाता है, जिसकी वजह से काकरोच 8 से लेकर 9 दिन तक जिंदा रहता है। लेकिन 8 से 9 दिन के बाद आखिर काकरोच की मृत्यु कैसे हो जाती है? इसका मुख्य कारण यह है कि काकरोच जो है बिना पानी पिए लगभग 8 से लेकर 9 दिन तक जिंदा रह सकता है, और बिना खाद्य पदार्थ के काकरोच लगभग 32 दिनों तक जिंदा रह सकता है। तो जब हम उसके सर को उसके शरीर से काट कर अलग कर देते हैं तो काकरोच न तो खाद्य पदार्थ ग्रहण कर पाता है और न ही पानी पी पाता है, जिसके वजह से 8 से 9 दिन के बाद प्यास के कारण काकरोच की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब